सो इसको एंटर करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये मेटास्प्लॉइट 2 जो है रनिंग में आ गई है, ये हमारे पास एक्सेस हो गई है। अब हाँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हैं प्लेटफॉर्म है, आप डिफरेंट टाइप के जो हैं, जैसे कि आप अगर HTML इंजेक्शन पर आपने अटैक करें तो आपने मल्टी रेट जो है ये ओपन करना है। लेकिन सिंपली मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल चीज़ बताता हूँ, आपने ये डैम जो है वेबल जो है वर्नबल जो है एप्लीकेशन, हाँ इसका ये नाम होता है आई थिंक, सो DWW आपने ये सिंपली शॉर्ट में आपको बताता हूँ ये, और इसका जो यूज़र नेम होता है बाई डिफ़ॉल्ट वो एडमन, एंड इसका पासवर्ड होता है वो पासवर्ड होता है, ठीक है। आपने लॉग इन कर लेना डॉट से, कुछ इस तरीके से जो है आपके पास इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी पे क्लिक करें, या हाई पे है इसको लो पे कर लें, क्योंकि हमारा फर्स्ट काम है। हम इसकी सिक्योरिटी लेवल को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। PHP की इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि क्या कौन सा वर्जन है PHP का हमारा। इसके बाद आगे अगर स्टार्ट से होम इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सेटअप है, सेटअप के अंदर आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक करना है आपने, यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो कोई भी, यहाँ पे आपके मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड इसको करता हूँ लॉग इन नोट सेफ। आप यहाँ पे अपने लॉग इन पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। कमांड जो एग्जीक्यूशन CSRF फाइल इंजेक्शन SQL इंजेक्शन, ठीक है, अपलोड कॉस्ट स्क्रिप्ट, ये सारे अटैक आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी लैब जो है वो सेटअप कर सकते हैं इजीली अपने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, विदाउट कोई पब्लिक चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। टेस्टिंग के लिए आप जो है अपनी लैब इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्यूचर क्लासेस जो है हम ब्रूट फोर्स करना सीखेंगे, किस तरीके से हम लॉग इन पेजेस को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं थ्रू बबसूट के थ्रू हम किस तरीके से ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे।